धनी जवान शासक। एक दिन एगो धनी जवान शासक यीशु के लगे आके उनसे पूछलस, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पावे के खातिर हमके का करे के चाही। यीशु उनसे कहले कि तू हमके उत्तम गुरु काहे कहत बाड़ा, खाली एक ही उत्तम बाड़े और उ परमेश्वर बाड़े। लेकिन यदि तू अनंत जीवन पावल चाहत बाड़ा त परमेश्वर के नियम के पालन कर। उ पूछले, हमके केवन केवन आज्ञा के पालन करे के जरूरी बा। यीशु जवाब दिहले, हत्या मत करिहा, व्यभिचार मत करिहा, चोरी मत करिहा, झूठ मत बोलिहा, अपनी बाबू और माई के आदर करिहा और अपनी पड़ोसी से अपने समान प्रेम करिहा। लेकिन उ जवान आदमी कहले, हम अपनी बचपने से ही ई सब आज्ञा का पालन करत बानी। हमके हमेशा के खातिर जिंदा रहे खातिर अब हमके का करे के जरूरत बा। यीशु ओ पर नजर कैले औरी उनसे प्रेम कैले। यीशु जवाब दिहले कि यदि तू सिद्ध होखल चाहत बाड़ा त जाके अपन सब कुछ बेच दा औरी उ धन गरीबन में बांट दा और तोहके स्वर्ग में धन मिली, तब आके हमारी पीछे हो जइहा। जेवन यीशु कहले। जब उ जवान आदमी सुनले त उ बहुते उदास हो गइले, काहे से कि उ बहुते धनी रहलन और उ अपन कुल संपत्ति के देहल ना चाहत रहले। उ मुड़ के यीशु के लगे से चल गइले। तब यीशु अपनी चेलन लोगन से कहले, परमेश्वर के राज्य में धनी लोगन का गइल बहुते कठिन बा। एगो धनी आदमी के परमेश्वर के राज में गइला क तुलना में केवनो ऊट के सुई के नाके में सी होके निकल जाइल आसान बा। जेवन यीशु कहले। जब चेला लोग सुनले त उ लोग बहुते चकित हो गइले। उ लोग कहले कि यदि ई ऐसन बा त परमेश्वर के बचाइहें। यीशु चेलन लोगन पर नजर कैले और कहले, तोहन लोग के खातिर खुद का उद्धार कैल असंभव बा, लेकिन परमेश्वर के खातिर कुछऊ भी कैल असंभव नइखे। पतरस यीशु से कहले, हम चेला लोग सब कुछ छोड़ के तोहरी पीछे हो गइल बानी जा, तो हमनी का इनाम मिली। यीशु जवाब दिहले कि हर एक आदमी लोग जे हमारी खातिर घर, भाई, बहन, बाबू, माई, बच्चन या संपत्ति के छोड़ले बा, उसे 100 गुना अधिका मिली और अनंत जीवन के भी पाई। लेकिन बहुते जे पहले बा उ पीछे हुई हैं और बहुते जे पीछे बा उ पहले हुई। मती अध्याय 19:16-30, मरकुस 10:17-31, लूका 18:18-30 से एगो बाइबिल का खिस्सा